लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12B. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम हूज साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. तो बच्चों पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. तो हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, सेम होता है जैसे उसमें होता है एल प्लस टू इंटू एल प्लस बी, जैसे कि आपका रेक्टेंगल में होता है, क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. टू इंटू 12 प्लस 7, टू इंटू 19 इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर इज इट्स आंसर. इट इज़ द आंसर सेम वैसे ही होता है जैसे रेक्टेंगल में होता है, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो आप क्या लिखेंगे, पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 × 12 + b, 2 × 12 + 7, 7 × 12 = 19, 2 × 19 = 38 सेंटीमीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 64 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 17 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ. तो जैसे हम रेक्टेंगल में निकालते हैं, मैंने बोला वैसे ही निकालेंगे इसको भी. तब आप इसमें क्या करेंगे बच्चों, लेट्स ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम टू बी एक्स. आपने फॉर्मूला लगाया, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 × l + b. पी कितना है बच्चों, 64 सेंटीमीटर. 2 × l कितना है, 17 सेंटीमीटर. बी हमने क्या ले लिया, एक्स. तो नाउ 64 इज इक्वल टू 270 = 34 प्लस 2x. नाउ 34 ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड, 64 - 34 इज इक्वल टू 2x. 64 - 34 इज इक्वल टू 30 इज इक्वल टू 2x. x इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इट मीन्स ब्रेथ ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेलल लाइन लगाते हैं, उसके बाद हम ग्राम लिख देते हैं, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 125 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल. देखिए इट इज़ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इट्स एक्सटीरियर. एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल. इट इज़ द 125 डिग्री. अब आपको क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल. तो आप पहला क्या निकालेंगे, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 1. हमने इसको क्या मान लिया, 1. डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे. वी राइट हेयर 1 + 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर. तो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री. 10 - 5 = 5, 7 - 2 = 5, 55 डिग्री इंटीरियर एडजेसेंट एंगल, ठीक है. नाउ इंटीरियर ओपोजिट एंगल. अब इसका एंगल सी इज ओपोजिट टू एंगल 1, ये वाला जो एंगल है इसके अपोजिट है. सो वी राइट हेयर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 55 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है पैरेललोग्राम. क्लियर. नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज. एवरीवन डू दिस वर्क इन योर
नोटबुक।